इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब कि दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करना। अगर इंडिया में कोई सामान मंगाया जाता है या कोई सर्विस ली जाती है इंडिया के बाहर से, तो वो सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई ही मानी जाएगी। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब है कि एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करना। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर सप्लाई किसी टूरिस्ट को की हो या सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हुई हो, उसे इंटरस्टेट सप्लाई में काउंट नहीं किया जाएगा। टेरिटोरियल वाटर्स के केस में जहां सप्लाई और रेसिपिएंट दोनों की लोकेशन टेरिटोरियल वाटर में ही होती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगी जो उनकी लोकेशन के सबसे पास है। गुड्स की सप्लाई जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में नहीं आती, उनके प्लेस ऑफ सप्लाई कई तरह की हैं। जैसे जब गुड्स मूव होंगे तब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वो होगी जहां गुड्स डिलीवर हुए हैं रेसिपिएंट को। जब गुड्स मूव नहीं होंगे तब प्लेस ऑफ सप्लाई जहां गुड्स डिलीवर हुए हैं वो होगी। अगर गुड्स कहीं इंस्टॉल है तब प्लेस ऑफ सप्लाई वो इंस्टॉलेशन की जगह होगी। जब सप्लायर गुड्स डिलीवर करता है रेसिपिएंट को या किसी और पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के कहने पर, तब प्लेस ऑफ सप्लाई उस थर्ड पर्सन की लोकेशन होगी। अगर गुड्स इंडिया में मंगवाए जाते हैं बाहर से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी इम्पोर्टर की लोकेशन, और अगर गुड्स इंडिया से बाहर भेजे जाते हैं तब प्लेस ऑफ सप्लाई होगी इंडिया से बाहर की लोकेशन। इन चार केसेस में रेसिपिएंट की लोकेशन को बताया गया है। जब सप्लाई ऐसी जगह रिसीव हुई है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो वो प्लेस होगी रेसिपिएंट की लोकेशन। जब सप्लाई ऐसी जगह रिसीव हुई हो जो बिजनेस की प्लेस से डिफरेंट हो लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो, तो वो प्लेस होगी रेसिपिएंट की लोकेशन। जब सप्लाई एक से ज़्यादा जगह रिसीव हुई हो, तो जो जगह डायरेक्टली रिलेटेड है सप्लाई से, वो होगी रेसिपिएंट की लोकेशन। अगर कोई भी जगह सप्लाई रिसीव ना हुई हो, तो रेसिपिएंट का रेसिडेंस होगा उसकी लोकेशन। इन चार केसेस में सप्लायर की लोकेशन को बताया गया है। जब सप्लाई ऐसी जगह से करी गई हो जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो वो प्लेस होगी सप्लायर की लोकेशन। जब सप्लाई ऐसी जगह से करी गई हो जो बिजनेस की प्लेस से डिफरेंट हो लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो, तो वो प्लेस होगी सप्लायर की लोकेशन। जब सप्लाई एक से ज़्यादा जगह से करी गई हो, तो जो जगह डायरेक्टली रिलेटेड है सप्लाई से, वो होगी सप्लायर की लोकेशन। अगर ऐसी कोई भी जगह से सप्लाई करी ना गई हो, तो सप्लायर का रेसिडेंस होगा उसकी लोकेशन। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस मतलब वो सर्विसेज जिनकी डिलीवरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से हुई हो और जिस सप्लाई में ह्यूमन का यूज़ कम हो। कुछ सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस इंक्लूड करती हैं, जैसे इंटरनेट पे ऐड, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल कंटेंट सप्लाई करना इंटरनेट पे जैसे मूवीज़, म्यूजिक, टेलीविजन शोज़ एक्सेट्रा। एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का सप्लायर जब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है एक नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन पर्सन को, तो सप्लायर को ही इंटीग्रेटेड टैक्स पे करना होता है उस सप्लाई पर। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर एक इंटरमीडियरी ऐसी सप्लाई को अरेंज करता है तो रेसिपिएंट कहलाया जाएगा। पर कुछ केसेस में ऐसा नहीं है, जैसे जो इनवॉइस इंटरमीडियरी इशू करेगा उसमें क्लियरली ये मेंशन होगा कि वो सप्लायर और उसकी सर्विसेज को जानता है। जो इंटरमीडियरी होगा वो किसी भी तरह की पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इंटरमीडियरी ना ही डिलीवरी में इन्वॉल्व होगा, और जो जनरल टर्म्स और कंडीशन होगी वो इंटरमीडियरी नहीं सप्लायर सेट करेगा। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का सप्लायर एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कराता है सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर IGST पेमेंट के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स इंडिया के बाहर जाना। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब किसी भी सर्विस की सप्लाई, पर इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होनी चाहिए, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ही होनी चाहिए, और सप्लायर इंडिया में होना चाहिए और रेसिपिएंट इंडिया से बाहर का होना चाहिए। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स इंडिया में लाना बाहर से। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब सर्विसेज की सप्लाई जहां रेसिपिएंट इंडिया का हो और सप्लायर बाहर का हो और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो। GST के बारे में और जानने के लिए लीगल वास्ता के बाकी वीडियोस देखें। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट www.legalvasta.com पे भी विजिट कर सकते हैं।
लीगल वास्ता जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी फाइलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सीएज और अकाउंटेंट्स लीगल वास्ता सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 875-000-8585 पर।